जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वीर जी जो आज वीडियो करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ जो हाइफर होती हैं हमारी, चार महीने से बड़ी हो जाती हैं जिनका हम दूध बंद कर देते हैं, उनका हमने क्या डालना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है। सबसे पहले तो ये है, चार से बड़ी हो जाती है जो बछड़ी, उनको हमने डीवार्मिंग करनी है तीन महीने बाद। एक बार कर दी हमने चार महीने के बाद, फिर तीन महीने बाद करनी है वो डीवार्मिंग। एक सबको हमने वैक्सीनेशन लगानी है, गलघोंटू और मुंह खुरकी वो लगानी है 6 महीने बाद। ये काम तो करना है हर साल। और एक ब्रुसेला वैक्सीन आती है जो 4 से लेके 9 महीने की बछड़ी के लगती है, वो लगानी है आपने। इस बार तो बड़ी मुश्किल से मेरे को तो एक बार मिली नहीं इस बार, कम शॉर्टेज थी उसकी, इसलिए वो आप सबने ब्रुसिलोसिस के लिए वो वैक्सीन यूज़ करनी है आपने, वो सारी उम्र भर के लिए एक बार ही बछड़ी को लगनी है। बाकी इनको जब 4 से जो हम डालते हैं, मैं अपने फार्म पे जो फीड डालता हूँ वो एक मैं अकॉर्डिंग टू एक बछड़ी उसके अकॉर्डिंग टू बता देता हूँ मैं कैसे डालता हूँ। जब 4 महीने से बड़ी हो जाती है उनको कारगिल की फीड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, 4 से 6 महीने कफ ग्रोर, वो कफ ग्रोर 3 किलो फीड डालती है एक बछड़ी को, उसके साथ 6 से 7 किलो साइलेज। अगर हरा चारा डालना है तो 10 किलो से 12 किलो कर सकते हो, 1 किलो आधा किलो तूड़ी, आधा से 1 किलो हरे चारे में 1 किलो तूड़ी कर सकते हो। वैसे साइलेज आए तो आधा किलो तूड़ी, 6 से 7 किलो साइलेज खिलाते हैं उनको और कफ ग्रोर 3 किलो करते हैं। उसके बाद जब 6 से बड़ी हो जाती है, 6 महीने से बड़ी हो जाती है, 6 महीने से लेके जब सोने तक उनको हम डालते हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या डालते हैं हम एक बछड़ी को मिलने में। अब मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ अभी कौन कौन सी चीज़ मैं डालता हूँ, चलें उधर चलते हैं दिखाते हैं। जो एक बछड़ी के हिसाब से जो जो आइटम मैं डालता हूँ वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या डालता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, हम नमक डालते हैं टाटा का साग, ये आयोडीन वाला नमक है, ये डालना है 50 ग्राम एक बछड़ी को। और ये डालना है अपना प्रीमिक्स है, मिनरल मिक्सचर। ये प्रीमिक्स अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू अपने फार्म के हिसाब से आप PDS से तैयार करवा सकते हो अगर आपके ज़्यादा एनिमल हो तो। ये प्री मिक्स है, ये डालता हूँ उनसे तैयार। अगर उनका बना हुआ मिलन मिक्सचर होता है वो भी ले सकते हो, हाई MNLR के नाम से है वो भी यूज़ कर, कोई भी यूज़ कर लो आप, मैं ये नहीं कहता ये करो। वेस्टमैन गोल्ड, मिनफा गोल्ड जो आता है आपको पसंद लगता है वो 50 ग्राम मिलन मिक्सचर हो गया ये। और इसमें डालते हैं हम कैलमिन, कैलमिन है ये डालते हैं हम अपना 30 ग्राम एक बछड़ी को। इसमें कॉलिन क्लोराइड होता है, बफर होता है, काफ़ी आइटम होती है इसमें। और ये है कैल्साइट पाउडर, इसमें कैल्शियम की बॉल फॉस्फोर होता है, ये भी डालते हैं हम उसको। ये यानी कैल्साइट पाउडर डालते हैं ये 100 ग्राम एक बछड़ी को। और DCP डालते हैं 50 ग्राम DCP। डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है इसका नाम, DCP, ये डालते हैं हम 50 ग्राम। सॉल्ट हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, एमटॉक्स, एक ये एमटॉक्स है, ये टॉक्सिन मेंडर है, ये 11,000 के करीब आता है 25 किलो का, ये 10 ग्राम ही डालते हैं एक बछड़ी को। अगर नहीं डालना चाहते तो अगर आपके पट्टे वगैरह अच्छे हैं तो नहीं भी डालो। इतनी ऐड में हम एक को डाल के साथ में मक्की होती है, आधा किलो मक्की एक बछड़ी को, बाईपास मास्टर्ड बाईपास 800 ग्राम और मास्टर्ड DOC 1 किलो। अब मैं आपको DOC मैंने बोली थी वो 1 किलो डालते हैं, ये वो ऐसी होती है हार्ड होते हैं, ये बड़ी होती है, ये मास्टर्ड होती है DOC 1 kg। और जो मास्टर्ड बाईपास है ये ब्रीक होती है, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये प्रोटीन का सोर्स होता है, ये आपको ये 800 ग्राम, ये 800 ग्राम डालते हैं, ये 1 kg डालते हैं, ये एक बछड़ी के लिए डालते हैं। और 500 ग्राम ये हमारी मक्की है, देख लो ग्राइंड की हुई है, ये मोटी मोटी ग्राइंड की है, ये मक्की डालते हैं, बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की है ये चीज़ें। और बाकी जो मिनरल जो आपको आइटमें दिखाई है वो डालते हैं, ये हम बछड़ियों के लिए डालते हैं। ये हमारे पास ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके डालना है, अगर आगे पास 10 बछड़ियाँ अकॉर्डिंग टू 10 उनको रेशो में आप
डिवाइड कर लो, एक का मैंने बता दिया और गुणा 10 करके उसके हिसाब से डाल दो। ये खर्चा कम पड़ता है, हमारे पास TMR है, TMR में सारा डाल देते हैं, मिक्स हो जाता है अच्छी तरह, इसलिए फिर खर्चा कम पड़ता है हमको फीडिंग का। अगर वहाँ से मिक्सिंग करवा के लेके आते हैं तो ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है, इसलिए हम टोटल ब्रांड ले लेते हैं, जो ये आइटम ले लेते हैं जो यूज़ करते हैं वो डाल देते हैं, उस हिसाब से हमको अच्छी फीड तैयार होते है। और ऐसे डालने से ना तो मेरा खर्चा बच गया, ना ही मेरी बछड़ी अच्छी तरह तैयार हो रही है। अब जो छोटे डेयरी फार्म होते हैं उनको ज़्यादा मुश्किल आती है, जब मेरा काम भी अब भी मेरा काम इतना बड़ा नहीं, मैं आम नॉर्मल छोटे डेयरी फार्म में से हूँ, एक ज़्यादा बड़ा डेयरी फार्म नहीं है, पर थोड़ा ये है मेरे को टाइम हो गया, मैंने काम छोड़ा नहीं, लगा रहा और अच्छा काम हो गया, पर मेरे को अच्छा लगने लग, अगर आपके पास पैसे बचने लग जाते हैं, आपको कोई भी काम है अच्छा लगने लग जाता है भाई, उस हिसाब से भाई जो छोटे डेयरी फार्म हैं उनको मुश्किल तो आती है, उनको यही एक तो फीड में ही घूमते रहते हैं, कौन सी फीड डालें या कौन सी, अलग अलग टाइम पे हमको पता लगता है, जब धीरे धीरे हम ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं डेयरी फार्म में तब पता लगता है ये डाल दें या ये डाल दें। हमने कॉस्ट कम करनी है, रिजल्ट भी अच्छा लेना है, कॉस्ट भी कम करनी है साथ में। अगर हम सोचते हैं भाई इसको खिलाते जाओ, ज़्यादा खिला दिया तो उतने की तो बछड़ी नहीं होगी जितना हम ज़्यादा खिला देंगे, इस हिसाब से उनको अकॉर्डिंग टू अच्छी तरह वो तैयार भी हो जाए और खर्चा भी हमारा कम हो, इस हिसाब से आप साइलेज देख लो। अगर आपने साइलेज डालना है 10 kg सफिशेंट है साइलेज, 10 से 15 के बीच बोला है मैंने, वैसे 10 kg एक बछड़ी को सफिशेंट है, इतना जो अपनी कफ होती है जब हम दूध बंद कर देते हैं ये उनके लिए है, जो बड़ी हो जाती हैं हाइपर हो जाती हैं जो, और जब वो गब्बन हो जाती है तब भी ये जब 2 महीने रह जाते हैं तब हम ड्राई फीड शुरू करते हैं उनके लिए, 2 महीने पहले वो अलग फीड होती है, उतनी देर यही चलती है, प्रॉपर डीवार्मिंग वगैरह करते रहते हैं हम। हाँ जी वीर जी, अज आप जानकारी दी है हाइपर बैठा बारे लवी किमें उन्होंने फीडिंग करनी है तो किमें, बाकी मैं मैसेज बहुत आते हैं सेल परचेज बारे, लवी भाई तुम बेचते हो या नहीं बेचते, मेरा वीर आ छोटा उसका डैडी का मेरा दोस्त ही है, उन्होंने बेटे है, उन्होंने मैं अब तुम इंट्रोड्यूस करवाना गा सिद्धू डेयरी फार्म के नाते उन्हों का चैनल आ महाराज सिद्धू डेयरी फार्म महाराज, वो सेल परचेज के उपर वीडियो पाते हैं, जे किसी ने गां कोई अपने एरिए भी बठिंडे एरिए बरनला दूर भी किसी ने कोई गां बेचनी हो कोई खरीदनी उन्होंने कॉन्टैक्ट कर सकता गा, अज मैं थोड़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस करा जो भाई जी माड़ा जहा भी ये है वीर पिंड महाराज तो सिद्धू डेयरी फार्म, दस दो माड़ा जहाँ बारे। हाँ जी मेरा नाम तेज वीर अपना यूट्यूब चैनल बनाया वा सिद्धू डेयरी फार्म महाराज, तो उसके आप खास सेल परचेज के पशु भी पाने होंगे वीडियो, तो वैसे उन्हें जेडे आम भरा उन्होंने भी पता लगता रहता भी की रेट रूट चल रहे हैं ना पशुओं के, तो होर बहुत ज़्यादा जानकारी कोई चंगे पशु घर बैठे पता लग जाता भी भरा कितने कितने मिलते हैं, तो इस करके अपने चैनल में बदो सबसक्राइब करो, बाकी वो तो वह वीर चैनल में लाइक तो सबसक्राइब करो, जे कोई किसी ने बेचनी है गां मध जो जिहड़ा भी एनीमल सेल करना है जो किसी ने खरीदना इन्हों का कॉन्टैक्ट कर दो, इन्हों का लिंक भी अभी अपनी वीडियो पा देंगे। पहले मेरी बछड़ी छोटी थी, अब ये 5-6 महीने की हो गई है बछड़ी भी सारी, बिच 5 वाली भी है मोस्टली 6 महीने की होगी, ये वाली होगी साल से ऊपर है सारी, बिच गब्बन भी है, जब ये वाली बछड़ी को 2 महीने रह जाएंगे तो ये ड्राई में चली जाएगी, उतनी देर से सबको 6 महीने से लेके सब ड्राई वाली को एक ही फीड डाल रहा हूँ मैं, और उस हिसाब से इसमें हरा चारा और तूड़ी दिया हुआ मेरे पास, साइलेंस अभी शॉर्टेज था साइलेंस की, साइलेंस बन रहा है अभी, उसके बाद फिर साइलेंस शुरू कर देंगे इनको। ये सारी बछड़ी है ये दिखा दी, इसके लिए पानी की व्यवस्था भी खुली की हुई, इधर भी पानी, और एक बात और जो मैं भूल गया मेन बात, जो गर्मी में ज़्यादातर अपनी बच्ची क्यों कमज़ोर रहती है, अपनी बच्ची इसलिए कमज़ोर रहती है कि चिच्चड़ लग जाते हैं इनके, चिच्चड़ से बचा रखना है, मैं पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ चिच्चड़ वाली स्प्रे करते रहो, चिच्चड़ से ज़रूर बचा, अगर आप फार्म में 1 महीने में 3 बार से अगर आपके फार्म में चिच्चड़ है 3-4 बार लगातार स्प्रे करो 7-7 दिन छोड़ के टैक्टिक की स्प्रे करें तो आपके फार्म से चिच्चड़ ख़त्म हो जाएंगे, मैंने ऐसे ही फार्म पे चिच्चड़ ख़त्म किए थे, चिच्चड़ों की प्रॉब्लम अगर चिच्चड़ है तो आपके फार्म डाउन को जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आई 90% प्रॉब्लम चिच्चड़ से आती है एनिमल को, ये चीज़ का ख्याल रखें, अच्छी फीड डालें, खाना पीना खुली रहती है, इसको पकड़ना नहीं हमने बस खिलाना है, जब तब पकड़ते हैं इनको जब हमने इनको डीवार्मिंग करनी होती है बड़प वाली दवाई देनी होती है तब इसको पकड़ते हैं, नहीं खुली रहती हैं ना जाना इनके बीच में, बस कला थोड़ा गोबर उठाते हैं, कुछ गोबर तो हम उधर फेंक देते हैं परली तरफ धूप में सूख जाता है,
उसको जोत देते हैं, वो पुलाई आ जाती है, गद्दे जैसा बन जाता है। ऐसे ही हम एक वीडियो हम नेक्स्ट करेंगे, सफाई पे भी करेंगे, अभी कैसे हम फार्म पे सफाई रखते हैं और क्यूबिकल का क्या बेनिफिट है या लगाने चाहिए या ना लगाने चाहिए, इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो करेंगे। और अब मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। एक बात और सभी बहन भाइयों से लभी बहुत आपका थैंक्स कर रहा हूँ मैं इस बात के ऊपर, सारे वीर भैन भरावान का भाई जी पंजाबी जी भी मैं बोलन लग्या लई मैं शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने मेरी वीडियो इन पसंद करिया, तो सारे ने मैनू पॉजिटिव कमेंट करे आ, एक भी कमेंट किसी बंदे ने मैनू नैगेटिव नहीं करे। जिहड़ा मेरा मन लभी मैं पिछे नूं जावां, मेरी सोच तो यही है लभी लभी सब तो वध बंदे डेयरी फार्म करन, अपना पंजाब जां अपना इंडिया डेयरी का हब बने, जिथे डेयरी का हब बन जाता उत्थे डेयरी नूं सहूलतां बहुत ज़्यादा मिलदियां वीर जी। इसलिए मैं तो यह सोचना चलिया लभी चल जे किसी नूं अपने थ्रू बेनीफिट हुंदा तां बहुत वधिया गल आ, जिहो जिहा मेरे नाल बीतदी आ उहो जिहा मैं वीडियो दस देना, कोई ऐ नहीं हैगा लभी मैनू कोई डॉक्टरी वाली आउंदी आ जां मैनू कोई होर लैण मेरी कोई बड़ा एक्सपर्ट बंदा, बस जिन्ना कि मेरा तजर्बा है जिन्ना साल मैं डेयरी फार्म करते नहीं आते उस हिसाब से मैं आपकी वीडियो बना दिना गा। पर मैं थैंक्सफुल दोबारे सारे का भीर भैन भरावान का जिन्होंने मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की, बहुत ज़्यादा देखिया। हूँ मैं वीडियो एंड करदा, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह।